अस्सलाम वालेकुम एवरीवन वेलकम टू माय चैनल कैसे हैं आप सब उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक हैं खैरियत से हैं खुश हैं मज़े में हैं आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा और आज का व्लॉग जो है वलीमे का व्लॉग है और यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ ज्वेलरी हम लोगों ने मार्केट का विजिट किया था तो मैंने यहाँ पे देखा काफ़ी ट्रेंडिंग ज्वेलरी आई हुई थी तो ये सारी ज्वेलरी जो है ना यहाँ पर काफ़ी सारी ऑनलाइन वाली ज्वेलरी नज़र आ रही थी तो सोचा क्यों ना वीडियो रिकॉर्ड करती हूँ ना आप लोगों के साथ मैं शेयर करती हूँ तो यहाँ पर वो सारी ट्रेंडिंग ज्वेलरी नज़र आ रही थी मुझे और काफ़ी खूबसूरत ज्वेलरी थी और काफ़ी अच्छी लग रही थी मुझे और आप लोग देखें आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को यहाँ पर ज्वेलरी कैसी लग रही है और प्राइस भी काफ़ी रीज़नेबल थे कुछ चीज़ें थी जो अभी क्योंकि ये लेटेस्ट डिज़ाइन है तो जाहिर है कि फिर प्राइस भी उसके थोड़े हाई होते हैं तो लेकिन मुझे तो रीज़नेबल लग रही थी साढ़े पाँच सौ साढ़े चार सौ और ढाई सौ इस तरह से इनकी प्राइस थी और दो सौ और देखें आप ये ज्वेलरी बहुत अच्छी लग रही काफ़ी खूबसूरत लग रही यूनिक स्टाइलिश लग रही है अच्छा पहले मैंने शादी व्लॉग शेयर किया था आप लोगों के साथ तो, तो आज का व्लॉग वलीमे का व्लॉग होने वाला है लेकिन कुछ और चीज़ें भी मैंने इसमें आप लोगों के इंटरेस्ट के लिए ऐड की हैं जैसे कि खवतान और लड़कियों को ज्वेलरी का बहुत शौक होता है तो ये ऑनलाइन वाली ज्वेलरी ना काफ़ी हद तक दुकानों पे आ चुकी है आप लोग अपनी साइट पे मार्केट पे विजिट करके देखें वहाँ पर आप लोगों को मिल जाएगी और यहाँ पर देखें झुमके वग़ैरह काफ़ी अच्छे काफ़ी खूबसूरत लग रहे थे और रीज़नेबल प्राइस में भी थे यहाँ पर और यहाँ पर ये जो कड़े हैं ना ये इनकी प्राइस उन्होंने मुझे छः सौ बताई थी और इनका साइज़ बहुत ही छोटा लग रहा था मुझे और छोटी बच्चियों के लिए सही है इनका साइज़ देखने में तो काफ़ी ख़ूबसूरत लग रहे थे लेकिन अब मुझे ये नहीं पता कि ये जल्दी से ब्लैक हो जाएंगे या फिर सही रहेंगे और ये बालों में लगाने वाली क्लिप्स हैं तो बस इनके स्टॉल में जितनी चीज़ें थी मैंने तकरीबन सभी की वीडियो रिकॉर्ड कर ली थी आप लोगों के लिए कि आप लोग देख सकें कि यहाँ पर इस तरह के झुमके वग़ैरह आए हुए हैं इस तरह की ज्वेलरी आई हुई है अच्छा इस तरह के झुमके जो है ना ज़्यादातर आजकल मायो के फंक्शन में काफ़ी ज़्यादा वेयर किए जा रहे हैं और यहाँ पे ये पायल भी है और बालों में लगाने वाली क्लिप्स भी है और हेयर एक्सेसरीज भी हैं यहाँ पर और काफ़ी स्टाइलिश और काफ़ी ख़ूबसूरत डिज़ाइन में है मार्केट का मैंने विज़िट किया था ना तो मैंने और भी वीडियो रिकॉर्ड की है तो वो मैं वीडियो फिर किसी व्लॉग में अपलोड करूंगी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी यहाँ पर ऐड कर दूंगी ना तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी तो बस थोड़ी बहुत मैंने आप लोगों को ये सारी ज्वेलरी वगैरह दिखा दी है जो आजकल मार्केट में अवेलेबल है हमारी साइट पे और मेरे ख्याल है और जगहों पे भी ये सारी चीज़ें मिल रही होंगी अच्छा तो अब यहाँ पर जो है ना ये मार्केट की वीडियो ख़त्म हो चुकी है और ये है बरी जो दुल्हन की बरी आई थी शादी से पहले ये उस वक्त की रिकॉर्डिंग है तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी मैं शेयर करती हूँ और आप लोग देख लें ब्राइडल ड्रेस इनका रेड कलर का था और वो था रिसेप्शन का ड्रेस उसके बराबर में और बाकी ये सारी बरी की चीज़ें हैं उसके बाद मुझे अपनी भी तैयारियां करनी थी और जी मेरी तैयारी ये है कि ये है ये ड्रेस है जो मैंने वलीमे में पहनना था और बस नॉर्मल सा ही ड्रेस मतलब ज़्यादा भरा हुआ ड्रेस मैंने नहीं निकाला था और ये सही लग रहा था मुझे लाइट वेट भी था ये और इसमें इस तरह से लेसिंग हुई हुई है और इसकी जो स्लीवस हैं ये कुछ इस तरह की बनी हुई हैं ये अम्ब्रेला स्लीव्स हैं ये थोड़े स्टाइलिश लगती हैं और इसके साथ ना चूड़ियाँ वगैरह ज़्यादा मैंने नहीं पहनी और ये इसके साथ ट्राउज़र है और ट्राउज़र में इस तरह से नीचे काम हुआ हुआ है और दुपट्टा बस इसका सिंपल है कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं है मैंने इसमें गोल्डन पीको बनवा ली थी और ये ज्वेलरी है जो मैं वेयर करूँगी और बस ज़्यादा चीज़ें मैंने वेयर नहीं की थी बस हल्का फुल्का ही रखा था अपना लुक और ब्रेसलेट वगैरह और हेयर क्लिप्स वगैरह एयर बस ये चीज़ें हैं ये जो ड्रेस है मेरा ये फ्रॉक है और बस ज़्यादा घेर नहीं है इसमें बस सिंपल ही है और उसके बाद मैंने अपनी तैयारी शुरू कर दी थी सारे अपने कॉस्मेटिक्स वगैरह मैंने निकाल ली थी अच्छा यहाँ पर मैं आपको पॉलर बेस बनाना बताऊँगी पॉलर में जो बेस हमारे फेस पे अप्लाई करती हैं तो वो थोड़ा शाइनी बेस होता है और उसका लुक बहुत अच्छा आता है तो यहाँ पर मैंने क्या किया फ़ाउंडेशन मैंने निकाल लिए दो तरह के और यहाँ पे मेरे पास हाई है ये वाला हाई मैं इसमें यूज़ करूँगी थोड़ा सा मैंने इसमें हाई लाइटर ऐड कर दिया और फाउंडेशन में मिक्स करके मैंने इसे फेस पे अप्लाई किया था तो इस तरह से ना बहुत अच्छा सा लुक आ जाता है आपका जो फ़ेस होता है ना थोड़ा सा शाइनी लुक आपका आ रहा होता है इस तरह से मिक्स करके लगाने से तो इस तरह से मैंने बेस बनाई थी और ये मैंने अपने फेस पे अप्लाई किया था आप लोगों को मैं हाथ पे लगा के भी दिखाती हूँ शायद कैमरे में इतना पता ना चल रहा हो लेकिन इसका लुक बहुत अच्छा सा आता है अच्छा जी यहाँ पर हम हॉल में एंटर हो चुके हैं और एंटर होने के बाद मैंने यहाँ पर थोड़ी सी रिकॉर्डिंग की थी क्योंकि गेस्ट काफ़ी आए हुए थे यहाँ पर और हॉल काफ़ी भरा हुआ था तो बस मैं यहाँ ज़्यादा रिकॉर्डिंग नहीं कर सकी और ये स्टार्ट में जब हम एंटर हुए थे तो ये यहाँ की रिकॉर्डिंग है अच्छा वलीमे वाले दिन जो है वो दुल्हा की बहन की बारात भी थी तो मेहमान काफ़ी आए हुए थे और पहले से ही मेहमान आ चुके थे हम जो है वो थोड़ा सा लेट गए थे और लेट इतना नहीं हुए थे बस ये है कि सही टाइम पर हम पहुंच चुके थे और ये यहाँ पे स्पेशल गेस्ट के लिए ये सारी सेटिंग बनाई जाती है यहाँ पर और स्टेज भी आप लोगों को भी मैं दिखाऊंगी और हॉल कुछ इस तरह का बना हुआ था और यहाँ से मैं आप लोगों को ऑल ओवर लुक दिखा देती हूँ हॉल का और ये है मेरा छोटा बेटा साथ और ये है स्टेज हॉल का और ये सारे इस तरह से यहाँ पे अरेंजमेंट की हुई थी ये थी आज की वीडियो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़